अस्सलामुअलैकुम। सिंथेटिक पॉलीमर्स को डिस्कस कर रहे थे, आज जो चीज़ डिस्कस करनी है क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू पॉलीमराइजेशन। अगर सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात की जाए तो इसको तीन क्लासेस में डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन। वो तीन क्लासेस कौन कौन सी हैं? एक है जी फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, सेकेंड नंबर पर है जी कैटायनिक पॉलीमराइजेशन और थर्ड नंबर पर एनायनिक पॉलीमराइजेशन। तीनों को हम डिस्कस करेंगे। आज इस लेक्चर में जो चीज हमने डिस्कस करनी है वो है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। अब फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन को समझने से पहले आपको कम से कम इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि फ्री रेडिकल है क्या। सही है? तो फ्री रेडिकल क्या होता है? जिस तरह मेरे पास एक Cl2 है, सपोज कर लें। अब जो एक बॉन्ड होता है ना, एक बॉन्ड में बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिस तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह हाइड्रोजन है, इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक और हाइड्रोजन है, इसके भी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये दोनों आपसे मिलेंगे, दोनों जब आपसे मिले तो दो इलेक्ट्रॉन दरमियान में आ गए। सही है? तो हम इसको सिंपली रिप्रेजेंट कर लेते हैं जी एच, एक लाइन लगाते हैं और एच। बेसिकली ये एक बॉन्ड ये जाहिर कर रहा होता है कि दो इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं। सही है? एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक हो गया। अगर मैं इसको इस तरह तोड़ूं कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए, तो इसको कहेंगे जी फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल एक ऐसी स्पीशी होती है जिसके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही है? द स्पीशी विच हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो ऑड नंबर हो। जैसे आप सीएल डॉट, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, एच डॉट, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, ओड नंबर है। इस तरह की शय को हम नाम दे रहे होते हैं फ्री रेडिकल का। अब फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन की बात की जाए, इट टेक प्लेस इन थ्री स्टेप्स। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन टेक प्लेस इन थ्री स्टेप्स। और तीन स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे इनिशिएशन। सेकंड जो स्टेप है वो है प्रोपोगेशन। और थर्ड स्टेप जो है वो है टर्मिनेशन। इसको यहां पर रेज कर देता हूँ, इस साइड पर करके लिख देता हूँ सीएल डॉट। और थर्ड स्टेप जो है हमारे पास टर्मिनेशन, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। अब सबसे पहले जो स्टेप है यह है इनिशिएशन। इनिशिएशन का लफ्ज़ी मतलब होता है स्टार्ट करना, शुरू करना। इनिशिएशन यहां से केमिकल रिएक्शन या पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होगी। और इनिशिएशन जो स्टेप है ये दो स्टेप में हो रहा होता है। पहले नंबर पे फ्री रेडिकल को पैदा किया जाता है और सेकंड नंबर पे फ्री रेडिकल का रिएक्शन मोनोमर के साथ करवाया जाता है। सही है? द इनिशिएशन स्टेप टेक प्लेस इन टू फर्दर स्टेप्स। मजीद दो स्टेप में हो रहा होता है फर्दर स्टेप्स। वो फर्दर स्टेप्स कौन कौन से? पहले नंबर पे जी जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल को पैदा किया जाए। और ये वाला जो होता है ना, ये वाला स्लो स्टेप होता है।
इट इज स्लो स्टेप। नेक्स्ट हमारे पास क्या था जी, रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल विद मोनोमर, रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल, जो फ्री रेडिकल आपने पैदा किया है ऊपर, विद मोनोमर, मोनोमर्स, आपने फ्री रेडिकल का रिएक्शन मोनोमर के साथ करवाना है। अब जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल भी तीन तरह से करवाई जा सकती है, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल भी तीन तरीके से करवाई जा सकती है। पहला तरीकाकार बाय थर्मल मेथड, पहला जी बाय थर्मल मेथड, नाम से जाहिर हो रहा है कि थर्मल मेथड हीट करेंगे, गर्म करेंगे किसी भी शय को, वो फ्री रेडिकल बना देगी, सही है। इसमें क्या आता जी, द सब्सटेंस इज हीटेड देन इट फॉर्म फ्री रेडिकल। आप किसी भी शय को गर्म करोगे वो फ्री रेडिकल बना देगी। मसलन ये मेरे पास एक कंपाउंड है आर ओ ओ आर, आप इसको लो गर्म करो, सही है, इसको क्या कर दो, गर्म कर दो, और हमारे पास यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएगा। किस तरह का जी, टू आर ओ डॉट, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, ये इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। एग्जांपल देना चाहते हैं, आर की जगह पे CH3 लगाओ, ओ ओ आर की जगह पे CH3, इसको करो आप गर्म, गर्म करने के बाद दो हमारे पास CH3O डॉट फ्री रेडिकल बन जाएंगे, सही है। तो पहला तरीका क्या है जी, आप फ्री रेडिकल को पैदा करवा सकते हो बाय थर्मल मेथड, किस मेथड से, बाय थर्मल मेथड। और सेकंड जो तरीका क्या है, यह है बाय फोटोलाइट मेथड, बाय फोटो लाइट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं जी, लाइट को यूज कर रहे होते हैं फ्री रेडिकल जनरेशन में, सही है। और याद रखिएगा, जो लाइट है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, एनर्जी होती है, ये भी फ्री रेडिकल को पैदा करवा सकती है, सही है। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, लाइट हैव एनर्जी बिकॉज, क्योंकि इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सही है। लाइट कैन जनरेट फ्री रेडिकल। लाइट जो है ये भी फ्री रेडिकल को पैदा करवा सकती है, सही है। मसलन Br2 है, इसके ऊपर जैसे लाइट फॉल होती है तो ये Br डॉट और साथ में Br डॉट बना देता है, सही है। इसी तरह हमारे पास Cl2 है, ये भी जब फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा तो ये भी Cl डॉट और साथ में Cl डॉट बना देता है, सही हो गया। मतलब लाइट जो है ये भी फ्री रेडिकल को पैदा करवा सकती है, ये सेकंड तरीकाकार। थर्ड तरीकाकार आ जाए जी, थर्ड तरीकाकार हमारे पास मौजूद है बाय केमिकल मेथड। नीचे लिख लेते इससे, बाय केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं कि हम दो मेटल लेते हैं, एक साइड पे एक मेटल को लगा देते हैं और एक साइड पे एक मेटल को लगा देते हैं, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। जो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे इसको नाम देंगे कैथोड का, किसका नाम देंगे, कैथोड का। जो पॉजिटिव से जोड़ेंगे इसको नाम देंगे एनोड का,
और आपको पता है जो कैथोड वो होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, सही है। आपने मोनोमर को छोड़ना है यहां पे। अब मोनोमर क्या करेगा, कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और अपने पास रख लेगा, वो फ्री रेडिकल बन गया। फ्री रेडिकल इस तरीके का से बना सकते हैं, सही है। ये बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल किस तरह कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी देकर केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, सही है। तो इसमें थोड़ी सी बातें लिख लेते हैं। इट इज इलेक्ट्रो केमिकल मेथड इन विच मेटल इज यूज्ड, क्योंकि मेटल जितनी होती है इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखती है। इन विच मेटल इज यूज एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के सोर्स के तौर पर मेटल को इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह, मेरे पास ये एक मेटल है, ये एक इलेक्ट्रॉन देगी इसको, ये वाला एक मॉलिक्यूल मोनोमर, सपोज करो CH2CH, और यहाँ पे R लगा देते हैं, X लगा देते हैं, Cl लगा देते हैं। ये क्या करता है, ये मेटल एक इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट करता है, और हमारे पास जो आगे प्रोडक्ट बनेगा CH2 के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव, और साथ में CH और यहाँ पे Cl लगा और यहाँ पे डॉट बन जाएगा, ये फ्री रेडिकल पैदा हो गया। ये क्या हो गया जी, हमारे पास फ्री रेडिकल पैदा हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे गौर कर लें, बेशक कोई भी मेथड हो उसमें हमने फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर डॉट लगाते हैं। क्या क्या लगाते हैं, हम उसको ऊपर डॉट लगा रहे होते हैं। तो अभी तक जो चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, ये फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन बेसिकली तीन स्टेप में हो रही थी, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन देखा जाए तो ये दो स्टेप में हो रही होती है। सबसे पहले फ्री रेडिकल को पैदा किया जाता है, सेकंड नंबर पर फ्री रेडिकल का रिएक्शन आप मोनोमर के साथ करवाते हो। जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल अगर देखा जाए तो तीन तरीक़ेकार से हम फ्री रेडिकल को पैदा करवा सकते हैं, कि थर्मल मेथड है, एक फोटोलाइट मेथड और एक केमिकल मेथड है, या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होता है, फ्री रेडिकल तो पैदा करवा लिया आपने, फ्री रेडिकल का रिएक्शन है विद मोनोमर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल विद रिएक्शन ऑफ मोनोमर्स विद फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल के साथ मोनोमर का रिएक्शन करवाने लगे। किसका रिएक्शन करवाने लगे, मोनोमर का रिएक्शन करवाने लगे। जरा गौर कीजिएगा हमारे पास क्या होता है। मैं सपोज करता हूँ यही वाला मैं मोनोमर लूँगा, तो मेरे पास ये एक आर ओ डॉट, ये फ्री रेडिकल है, इसका रिएक्शन करवाने लगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, यहाँ मैं सी एल लगा देता हूँ। ये वाला डॉट इसके साथ जाके जुड़ेगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक हो गया। ये हाफ एरो लगाने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास चला गया, इसका इसके पास चला गया, और हमारे पास काम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ बॉन्ड बन जाएगा सी एच टू और ये वाला आगे सी एच, और यहाँ पे आर लगा होगा और यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गया। यहाँ पे क्या बन गया, फ्री रेडिकल। अब पहला स्टेप इनिशिएशन मुकम्मल हो चुका है, फ्री रेडिकल पैदा भी हो गया, फ्री रेडिकल ने मोनोमर के ऊपर अटैक भी कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप प्रोपोगेशन है, प्रोपोगेशन। अभी मोनोमर बन गया, अब इसी मोनोमर को लेते हैं हम दोबारा, फिर मजीद मोनोमर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। सी एच टू सी एच आर ने यहाँ पे सी एल लगा रखा है, तो आप यहाँ पे सी एल ही लगाओ, ठीक हो गया। यहाँ पे फ्री रेडिकल है, मैं सपोज करता हूँ एन नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट के साथ मैं इसका रिएक्शन करवा देता हूँ। यहाँ पे सी एल होगा और ये वाला फ्री रेडिकल इसके साथ रिएक्ट करेगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा आर, और यहाँ तक तो सेम रहेगा, ठीक है। सी एच टू सी एच, यहाँ पे सी एल लगेगा, यहाँ फिर सी एच टू सी एच, और ये काम चलता जाएगा, और यहाँ पे सी एल। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला होगा, ये होगा एन
माइनस वन, अगर हम ये एन मोनोमर ले रहे हैं और यहाँ पे अभी भी फ्री रेडिकल मौजूद हैं और ये काम चलता जाएगा। इस स्टेप को इसलिए कहते हैं ये प्रोपोगेशन है, ये कि हमारे पास प्रोपोगेशन है, मोनोमर जुड़ते जाते हैं और ये काम बढ़ता जाता है। सही है, तो आपने कितनी लंबी चेन बनानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर कंडीशन वगैरह के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। सही है, तो इन दिस स्टेप, इन दिस स्टेप मोनोमर्स आर कंबाइंड, आर कंबाइंड टू वन अनदर, टू वन अनदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन पॉलीमर्स, लॉन्ग चेन पॉलीमर पॉलीमर्स। समझ आ गई कि हमारे पास जो मोनोमर होते हैं ये आपस में जुड़ते जाते हैं और लॉन्ग चेन पॉलीमर्स बना देते हैं। लास्ट वाला स्टेप टर्मिनेशन, जहाँ पे हम इस प्रोसेस को बंद करेंगे। पहले शुरू किया, फिर आगे प्रोपोगेट करवाया, बढ़ता गया और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा जी टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन इज क्लोज्ड या एंडेड भी कह सकते, द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन इज क्लोज्ड। अब इसको बंद करने के भी मुख्तलिफ तरीकेकार हैं, पॉलीमराइजेशन की टर्मिनेशन के भी तीन तरह से हम टर्मिनेशन कर सकते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स या थ्री वेज टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, कौन कौन से वो भी हम देख लेते हैं। देयर आर थ्री वेज टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। तीन तरीके कह रहे हैं जी पॉलीमराइजेशन को एंड करने के। पहला तरीका कार बाय एडिंग फ्री रेडिकल। आप इसमें दोबारा फिर फ्री रेडिकल ऐड कर दो। मसलन अगर ये वाला हमारे पास पॉलीमर बना हुआ है ROCH2CH, नीचे आ जाएगा CL, फिर CH2, फिर आ गया CH, फिर नीचे CL, और ये हमारे पास पॉलीमर बना हुआ है। मैं इसको टर्मिनेट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे सपोज कर N लिख लेता हूँ, यहाँ पे N माइनस वन लिखा हुआ है, चलो मैं यहाँ पे N माइनस वन ही लिख लेता हूँ। सही, यहाँ पे क्या जाए, क्या तरीका का आ रहा है जी, आप यहाँ पे ओ आर, ये एक फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल को ऐड करो, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दरमियान में आएंगे और हमारे पास प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा और हमारे पास जो चीज़ बनेगी ROCH2CH और यहाँ पे आके आगे OR लग जाएगा और एक CL यहाँ पे लगा हुआ है और एक CL यहाँ पे लगाया, ठीक हो गया। और ये प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन इज टर्मिनेटेड हेयर। पहला तरीका कार है जी बाय एडिंग फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल ऐड कर दो, सही बॉन्ड बनेगा, टर्मिनेट हो जाएगा प्रोसेस, क्योंकि ये प्रोसेस बढ़ रहा था सिर्फ और सिर्फ इस फ्री रेडिकल की वजह से। ये रिएक्टिव होता है, ये आगे रिएक्ट करता जाता है, हमने बस फ्री रेडिकल को ख़त्म करना है जो पॉलीमराइजेशन बन रहा है, ठीक है। तो दूसरा तरीका कार है बाय एडिंग हाइड्रॉइड रेडिकल। अब हाइड्रॉइड रेडिकल को भी ऐड कर टर्मिनेशन को क्लोज कर सकते हैं, सॉरी हाइड्रेड नहीं, रिमूवल है, रिमूव बाय रिमूवल हाइड्रॉइड रेडिकल, हाइड्रॉइड रेडिकल को रिमूव करवा कर भी आप टर्मिनेशन को
बंद करवा सकते हैं। कैसे, ज़रा गौर कीजिएगा, यही वाली चीज़ दोबारा फिर लूँगा, आर ओ सी एच टू सी एच सी एच टू सी एच डॉट सी एल सी एल। अब होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, सही है, और ये आगे हमारे पास काम चलता जा रहा था सी एच टू, ये वाला हमारे पास यहाँ से एक हाइड्रोइड रेडिकल निकलेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन को बाहर की तरफ करके लिखूँ तो ये कुछ इस तरह होगा, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और हमारे पास प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन स्टॉप हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा जी आर ओ सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच और यहाँ पे सी एल लग जाएगा और ये प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन इज स्टॉप हेयर ड्यू टू द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोइड रेडिकल। ठीक हो गया, एच डॉट यहाँ से निकल जाएगा, एच डॉट ये जो बॉन्ड था इसमें दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले गया, सही है, और एक इलेक्ट्रॉन जो बचा था वो यहाँ पे दरमियान में आके इसने बॉन्ड बना लिया। और लास्ट वाला तरीकाकार ये है कि बाई कपलिंग बाय कपलिंग ऑफ टू फ्री रेडिकल, कपलिंग ऑफ टू फ्री रेडिकल, दो फ्री रेडिकल की कपलिंग की वजह से भी ये काम करवा सकते हैं। कैसे, जिसरे एक फ्री रेडिकल ये आर ओ सी एच टू सी एच यहाँ पे सी एल सी एच टू सी एच यहाँ पे डॉट और यहाँ पे सी एल, सेम इसी तरह एक और फ्री रेडिकल में उसको उल्टा बनाऊंगा यहाँ पे, जिस तरह ये है जी सी एच यहाँ पे सी एल सी एच टू सी एच और यहाँ पे सी एल फिर सी एच टू ओ के साथ है जी आर। अब ये वाला भी यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला भी यहाँ पे शिफ्ट होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ पे दरमियान बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगी। अगर आप कोई भी, अगर इसमें कोई भी आप फ्री रेडिकल ऐड ना करो तो टर्मिनेशन इस तरह भी पॉसिबल है कि पॉलीमर जो है ये आपस में पॉलीमराइज हो जाए, पॉलीमर्स जो है ये आपस में पॉलीमराइज हो जाए और हमारे पास जो प्रोडक्ट में बनेगी चीज़ वो कुछ इस तरह की होगी। चेक कीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिखते जा रहा हूँ आर ओ सी एच टू सी एच टू सी एच सी एच सी एच टू सी एच टू ओ के साथ आर है और एक सी एच टू सी एच यहाँ पे एक सी एल लगा हुआ है, एक सी एल यहाँ पे लगा हुआ है, एक सी एल यहाँ पे लगा हुआ है, एक सी एल यहाँ पे लगा हुआ है, सही है। अब इन दो के दरमियान में यहाँ पे ये वाला बॉन्ड बना है, ठीक है। एक तरीका कार ये है कि आप इस तरह भी टर्मिनेशन करवा सकते हो, लेकिन इस तरह टर्मिनेशन करवाइए तो एक चीज़ गौर कर लो यहाँ पे, ये है कि पॉलीमर की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। जब लेंथ बड़ी होगी इसका मॉलिक्यूलर मास भी बड़ा हो जाएगा, सही है। तो अगर आप हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले पॉलीमर हासिल करना चाहते हैं तो आप टर्मिनेशन इसी तरह होने दें, खुद ब खुद ही ये खुद ब खुद ही हो जाएगी, सही है। लास्ट में जब मोनोमर बचेगा नहीं जिसके साथ रिएक्शन करना, तो फिर पॉलीमर आपस में रिएक्शन कर जाते हैं और प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन इज टर्मिनेटेड, सही हो गया। तो ये था जी हमारे पास तरीकाकार। अब टर्मिनेशन के भी तीन तरीकाकार है, इनिशिएशन के भी स्टेप के अंदर जो फ्री रेडिकल पैदा करवाते हैं उसके भी तीन तरीकाकार हैं, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। सही है था जी हमारे पास आज का लेक्चर, अल्लाह हाफिज़। स्क्रीनशॉट लाजमी 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 ले लीजिएगा।